यहाँ पर जो है निरीक्षण किया है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से ये दिव्य और भव्य कुंभ की तरह आयोजित हो रहा है? जब से केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, और तीर्थराज प्रयाग की दृष्टि से भी आप सब इस बात के साक्षी हैं कि प्रयागराज के कुंभ मेले में 24 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने स्नान किया और सारे संसार में प्रयागराज के कुंभ मेले की जय जयकार हो रही है। कुंभ मेले से पहले मिनी कुंभ के रूप में हम लोगों ने माघ मेले को संपन्न करवाया था, इस वर्ष फिर माघ मेला ही चलता है। आप सब जानते हैं माघ मेले में कोई असुविधा ना हो, जो भी हमारे पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो हमारे कल्पवासी आ रहे हैं, जो हमारे प्रयागवाल के सब जहाँ पर आकर के बड़ी संख्या में कल्पवासी रुकते हैं और जो अनेक संस्थाएं यहाँ पर आकर के सेवा भी करती हैं और अपने शिविर भी लगाती हैं, हमारी तरफ से यही प्रयास है कि किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, उनकी सुविधाओं में हम कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकें। कुछ समस्याएं अभी मैं आया तो मेले में कुछ लोग शिकायत भी कुछ कर रहे थे, तो जो भी शिकायतें हैं जो समाधान करने के लायक हैं उनको तत्काल समाधान करवाने का काम करेंगे और जो समाधान होने के लायक नहीं उनका कोई वैकल्पिक जो प्रबंध हो सकता है वैकल्पिक। कोटा में बच्चों की मौत पर सीएम साहब ने कहा है कि राजनीतिक नौटंकी करती हैं प्रियंका गांधी, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए अभी मैं तीर्थराज प्रयाग में आया हूँ, यद्यपि यह सच है कि प्रियंका जी नौटंकी ही करती हैं, दर्द अगर उनको होता तो केवल जो अराजकता किए हैं, जो तोड़फोड़ किए हैं, जो आगजनी किए हैं उनके परिवारों के प्रति ही दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली अगर सरकार राजस्थान में है, 100 से अधिक बच्चे वहाँ पर चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर गए हैं, तो सबसे अधिक पीड़ा उनकी है, उनके आंसू पोंछना चाहिए। को लेकर के काफ़ी विरोधी दल काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरह से गलत है जिस तरह, और उसके कई मॉड्यूल भी हैं। देखिए अगर जो कौन विरोधी दल उठा रहा है, अगर सपा का नाम लेंगे, सपा तो ऐसी पार्टी है जो आतंकी हमले के जिम्मेदार थे, दोषी थे, विस्फोट के जो दोषी थे उनके ही मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर रही थी, फिर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। कांग्रेस का चरित्र कैसा है वो आप देख रहे हैं कि एक तरफ बच्चे मर रहे हैं, उनके परिवारों के आंसू पोंछने की जगह जो दंगा करने के वाले, बलवा करने वाले, सरकारी संपत्ति को आग लगाने वाले हैं उनके प्रति उनका दर्द उमड़ पड़ा। CAA पर गृहमंत्री जी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है। तो अब तो एक्ट बन चुका है, अब उसमें जो भी दल उसका विरोध कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वह देश को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। इस देश का जो भी निवासी, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उसके खिलाफ वो कानून है ही नहीं, वो कानून तो केवल उनके लिए है जो विशेष तौर से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में प्रताड़ना का शिकार है, वो वहाँ से निकल करके आना चाहते हैं भारत में, और जो आ चुके हैं उनको नागरिकता देने का कानून था। ये तो अफवाह फैला करके कैसे मोदी जी और योगी जी की सरकार को बदनाम किया जा सके, ये एक सूत्री अभियान था ये विपक्षियों का, लेकिन वो फेल हो गया, उनकी हवा निकल गई। कुंभ के दौरान यहाँ पर्याप्त जो है जल उपलब्ध था और माघ मेले में किस तरह जल की उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी? जल की उपलब्धता भी होगी, अविरलता भी होगी, निर्मलता भी होगी और सुविधाओं में मतलब तीर्थयात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का मामला हो, व्यवस्था का मामला हो और मेले को सकुशल संपन्न कराने का मामला हो, कोई कमी नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान के एक शायर हैं फैज अहमद फैज, उनकी एक नज़्म, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं बुत खाने जो है तोड़े जाएंगे, उस तरह की तो उसके भाषा को लेकर हिंदू विरोधी देश क्या लेना देना, वो कोई विषय ही नहीं है। वो कोई एक मामला आएगा IIT कानपुर का, उसकी जाँच हो रही, जाँच करने में कोई ऐसा तथ्य विषय सामने आएगा कि जिन लोगों के द्वारा कहीं कुछ इस प्रकार से बोला गया उनका मनसा और कुछ हो रही होगी तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पूरे मामले की जांच होगी, जांच तो हो रही है जी, जांच हो रही है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद।